सदर संघ चुनाव के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन भी पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। 22 अगस्त को होने वाले नामांकन से पहले विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। देखिए जयपुर से ललित कुमार की खास रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में 27 अगस्त को एक साथ छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। इन छात्र संघ चुनावों को लेकर सबकी नजर राजस्थान विश्वविद्यालय पर टिकी है। 22 अगस्त को सुबह 10 बजे से 3 बजे तक होने वाले नामांकन को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। गुरुवार को जहां किसी भी बाहरी वाहन को कैंपस में अनुमति नहीं दी जाएगी, तो वहीं छात्र प्रत्याशियों को अपने अपने विभागों में ही आवेदन करने होंगे। इसके साथ ही कैंपस में किसी भी प्रकार के गुट में छात्रों को एकत्रित नहीं होने दिए जाएंगे। साथ ही छात्र प्रत्याशी भी सिर्फ अपने एक प्रतिनिधि और दो गारंटर के साथ ही कैंपस में प्रवेश कर सकेंगे। देखो, विश्वविद्यालय प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं। जो भी उम्मीदवार नॉमिनेशन प्रक्रिया अब चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका संबंधित विभाग या केंद्र या कॉलेज के अंदर वहां जाना होगा, वहां नॉमिनेशन उसको भरना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, जो भी छात्र नॉमिनेशन भरेंगे तो उनके साथ कोई भी तरीके किसी भी तरीके के जुलूस, भीड़ या प्रोसेशन अलाउ नहीं होगा। नामांकन के पहले दिन ही राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के बाहर बने चौराहे को भी बंद कर दिया गया है, ताकि गाड़ियों के कारण जाम ना लग सके। अब सिर्फ बिरला मंदिर और जेएलएन मार्ग से आने जाने का रास्ता ही जारी रहेगा। अब यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर जहां सबसे ज्यादा जाम की स्थिति बनती है चौराहा होने की वजह से, और सबसे व्यस्त मार्ग होने की वजह से यहां जाम की स्थिति बनती है। और इसी जाम की स्थिति से बचने के लिए आप देख सकते हैं कि अब जो चौराहा है उसको बंद किया जा रहा है। अब सिर्फ यहाँ पर यातायात सीधा ही चलेगा। लाइट को आज से यहाँ से बंद कर दिया जाएगा। जो 28 अगस्त तक ये लाइट बंद कर दी जाएगी। बैरिकेड्स आप देख सकते हैं कि बैरिकेड्स को लगा दिया गया है और अब वाहनों का यहाँ क्रॉसिंग पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। बहरहाल विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के लिंक 2 कमेटी के मुताबिक चुनाव करवाने की मंशा कितनी पूरी हो पाती है ये देखने वाली बात होगी। ललित कुमार, जी मीडिया, जयपुर।